सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वीडियो। तो गाइस, मैंने लगभग एक साल पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था। टॉपिक था इस पर जो कैसे एक मोबाइल चार्जर की मदद से एक एम्पलीफायर सर्किट बनाया जाए। ओके, तो गाइस उस वीडियो में बहुत कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्स आ गया था, लेकिन उस वीडियो की कमेंट में बहुत सारे भाई लोगों ने ये बताया था, भाई तूने तो ये वीडियो फेक बनाया, ये सर्किट तेरी काम नहीं कर रही। ओके, तो गाइस मैं वो वाला वीडियो आज आपको फिर से करके दिखाऊंगा, और जो भी करूंगा आपके सामने करूंगा, ए टू जेड आपके सामने करके दिखाऊंगा। ओके, तो गाइस इसलिए वीडियो पर बने रहिए। ओके, सो गाइस वन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ओके, तो गाइस चलिए प्रोजेक्ट तो बनाते हैं। ओके, तो गाइस इसलिए मुझे एक मोबाइल चार्जर, तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक मोबाइल चार्जर ले लिया। तो गाइस आप ध्यान से देख लीजिए, एक मोबाइल चार्जर ही है। ओके, तो गाइस इसमें से ही हमें एक यहाँ से एक ट्रांजिस्टर ले लूंगा और एक रेजिस्टेंस लूंगा। ओके, और एक कैपेसिटर लूंगा और उसकी मदद से आपको एक एम्पलीफायर बनाकर दिखाऊंगा। तो गाइस ये वीडियो ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंट पर्पस है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं हमें ये बड़ा ट्रांजिस्टर चाहिए। ओके, तो गाइस ट्रांजिस्टर का नेम भी आपको बता देता हूँ, जिसका नेम होगा 13001। ओके, तो गाइस आपको वो वाला ट्रांजिस्टर चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने ट्रांजिस्टर अभी तक नहीं निकाला है। ओके, तो गाइस कहीं पर आपको वो वीडियो को फेंकना लगे, इसलिए मैंने अभी तक भी जो रेजिस्टेंस है जो ट्रांजिस्टर है उसको मैं नहीं निकाला। तो गाइस आपके सामने ही आपको मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। ओके, तो गाइस मैं फटाफट इसका डिसोल्डिंग कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस वीडियो पर कहाँ पर भी आपको समझने में दिक्कत आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, और गाइस आपको वीडियो को ध्यान से देखिए, एक काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, तो गाइस उसके बाद आप कमेंट पे जाइए, कमेंट कीजिए भाई तूने तो फेक वीडियो बनाया। ओके, पहले देखिए ध्यान से। ओके, काम करेगा आपका, जरूर काम करेगा, आपको ध्यान से देखना होगा। ओके, तो गाइस देख सकते हो मैंने ट्रांजिस्टर जो था मैंने इसको निकाल लिया। ओके, तो गाइस आपको मैं आप दिखाता हूँ मैंने कौन सा ट्रांजिस्टर निकाला था। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर की नेम यहाँ पर दिखा रहा है 13001। ओके, तो गाइस ध्यान से देख लीजिए मैंने ये बड़ा ट्रांजिस्टर निकाला है मुझे से। ओके, तो गाइस आपको भी देख के निकालना है। तो गाइस उसके बाद इसको चेक करना है ये सही है कि नहीं। ओके, तो गाइस मैंने चेक कर लिया, अभी मेरा सही है। ओके, तो गाइस उसके बाद हमें चाहिए 1 किलो रेजिस्टेंस। तो गाइस आप ये मोबाइल से भी निकाल सकते हो या तो आप कोई और भी जुगाड़ कर सकते हो। ओके, तो गाइस उसके बाद हमें चाहिए एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो गाइस देख लीजिए ये 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। ओके, तो गाइस उसके बाद मैं आपको सर्किट डायग्राम भी बनाकर दिखाता हूँ। ओके, तो गाइस सर्किट डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। तो गाइस वो भी मैं अपनी पीसीबी पे करूँगा, अपनी फेवरेट सॉफ्टवेयर को ओपन करके। ओके, तो गाइस आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। ओके, तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा सर्किट डायग्राम बन चुके हैं। तो गाइस आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बना भी सकते हो। ओके, तो गाइस चलिए मुझे तो यहाँ पर बना के दिखाना है, तो गाइस इसलिए मैं फटाफट बना के दिखाऊंगा। ओके, तो गाइस पहले मैं जो ट्रांजिस्टर है इसकी पिन के बारे में कुछ बता दूंगा। तो गाइस इसकी जो फर्स्ट पिन है वो है इमिटर, उसकी मिडिल पिन जो है कलेक्टर, उसकी जो एंड वाली पिन है वो बेस। ओके, तो गाइस आपको जो पिन आउट है पता चल गई, तो आपको सर्किट बनाने में बहुत और भी आसानी हो जाएगी। तो गाइस मैं फटाफट इसे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो गाइस आपको वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा, आप सर्किट अकॉर्डिंग के हिसाब से करोगे तो आपको भी काम करेगा। ओके, तो गाइस चलिए सर्किट को मैं बनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं एक काम करता है कि नहीं। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो गाइस अगर चैनल आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर दीजिए, आपको आगे जाके बहुत सारा वीडियो मिलने वाले हैं। तो गाइस लाइक ऑर्डिनो की सीरीज पे, लाइक नॉट इम्सू की सीरीज पे। ओके, तो गाइस आपको इस चैनल पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं आगे जाके, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके,
तो गाइज यहाँ पर मैं सर्किट कंप्लीट हो चुकी है, तो गाइज अभी तो हमें सर्किट को पावर अप करना है, तो गाइज इसलिए मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके तो गाइज चलिए आप यहाँ पर सब कुछ हो चुकी है, तो गाइज इसलिए इसके बाद मैं अपनी ऑडियो जैक को अपने फ़ोन के अंदर इन कर लूँगा, उसके बाद आपको एक सिंपल सी ऑडियो सुना के दिखाऊंगा। ओके तो गाइज आगे जाके मैं आपको डीजे सॉन्ग की सुना के दिखाऊंगा इस एम्पलीफायर को यूज़ करके, तो गाइज चलिए वीडियो पर बने रहिए। ओके तो गाइज़ देखिए मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा सॉन्ग प्ले किया, तो गाइज़ आपको भी आवाज़ आ रही है, तो गाइज़ यहाँ पर मैं वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो गाइज़ देखिए तो आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो गाइज़ आप मुझे बताइए आपको क्या वीडियो फेक लगता है, बताइए मुझे। गाइज़ मैं यहाँ पर कोई फेक वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको कोई अनोन कॉन्टेंट नहीं देना हूँ, आपको कुछ सिखाना है ओके। तो गाइज़ एक आज का प्रोजेक्ट सिंपल सा एक प्रोजेक्ट आपको, जो आप लोग यहाँ इस वीडियो को फेक बोलते थे, तो इन भाई लोगों के लिए एक वीडियो है। तो गाइस भाई लोग देखिए ये एम्पलीफायर काम कर रहा है असल में। ओके तो गाइज आप लोगों ने तो यहाँ पर एक सिंपल सा एनसीएल सॉन्ग सुना, तो गाइज चलिए आप मैं आपको यहाँ पर एक डीजे सॉन्ग प्ले कर दिया हूँ, तो गाइज वो डीजे सॉन्ग भी यहाँ पर अच्छा आउटपुट दे रहा है। ओके तो गाइज मैं भी वो भी यहाँ पर बताऊंगा, तो गाइज ये डीजे सॉन्ग प्ले करने का एक एम्पलीफायर सर्किट नहीं है, एक सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का एक्सपेरिमेंट है, तो गाइज आपको समझना पड़ेगा। ओके तो गाइज वीडियो पर बनाइए, वीडियो पर मजे लीजिए। ओके तो गाइज अभी तक सिंपल सा प्रोजेक्ट, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे होम। ओके।